नाजरीन की बेइंतहा फरमाइश पे मैं मीना बाजार का वीडियो बना रहा हूँ। ये मीना बाजार, वहाँ से मस्जिद से 8 नंबर गेट सामने शाहजहाँ का, इधर से नीचे उतरेंगे आप तो ये मीना बाजार शुरू हो जाता है। दरमियान में इसका कुछ मसला चल रहा था डीडीए का, यह म्यूनसिपल इसमें आ गया। यहाँ पे आपको अगर उतरना है तो क्या ख़रीदना है, गरम कपड़े और गरम शाले, एक से एक बेहतरीन रैग यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी। स्वेटर्स देख लीजिए वेलवेट्स में भी, और गरम गरम कपड़े देख लीजिए। आओ भाई, कारोबार कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। ये म्यूनसिपल किस में आती है बिल्डिंग? ये डीडीए में आती है। ये मार्केट डीडीए का है या म्यूनसिपल दिल्ली का है? एमसी वही ना, म्यूनसिपल दिल्ली। ये दुकान खुद के आपके? अच्छा, यहाँ पे खरीदने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है जो मिल जाए? यानी गर्म कपड़े बहुत नज़र आते हैं आपको, बात करेंगे तभी अच्छा दिख रहा है शहजाद। तो यहीं से कश्मीर से ला के बेचते हैं, यहीं के दिल्ली के प्रोडक्ट सारे? अच्छा, शुक्रिया, जज़ाकल्ला मुख्तसर। हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आधे से ज़्यादा इंडिया आपको रास्तों पर नज़र आएगा, बाकी कहीं पर भी नज़र आता है। लेदर के जैकेट्स भी खरीद लीजिए। कल जल्दी जल्दी हो रहा था, आज मैं आपको स्लोली बता रहा हूँ। चांदनी चौक कल जल्दी हो गई थी। जैसे इन्जॉय द म्यूजिक, इसमें म्यूजिक डाल दूँ, वैसे भी देखते रहो। खूबसूरत बर्तन, क्रैकरीज। मेरे हिसाब से देखा जाए तो मीना बाजार को 80 रनों बनाने की ज़रूरत है। इसके रास्ते भी, इसमें लाइटिंग भी और दुकानें भी बहुत ज़्यादा मशहूर है पहले से ही। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ें जो ख़रीदेंगे आप, रैग्स गरम बहुत अच्छी मिल जाती है आपको। यहाँ बिलुई लोग बोलते हैं, अगर आप वीडियो बनाएंगे ना तो बिलुई लोग बोलते हैं आपको वीडियो नहीं बनाने का, इनको तिजारत नहीं करना है। मैंने इससे पहले आपको आगरा का एक रोड बताया था, ताज के बैग का। ये एक गली है, इसमें अंदर भी 4-5 गली है, और ये वापस से हम मेन रोड की तरफ, जाए मस्जिद के बाहर इस तरफ से निकलेंगे। वैसे हिंदुस्तान आधे से ज़्यादा रास्तों पर ही दुकान लगाता है। Assalamu alaikum.